दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार दिवाली और सूर्य ग्रहण दोनों ही एक साथ पड़ने वाले हैं और दिवाली पर बहुत सारे लोग साधनाओं को करते हैं, तंत्र क्रियाओं को करते हैं, काफी लोग बहुत सारी बाहर से चीजों को भी लेकर आते हैं। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कौन कौन सी चीजों को करना है, कौन कौन सी चीजों को नहीं करना है, सूर्य ग्रहण का समय क्या है और किन खास चीजों का ध्यान रखना है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि सूर्य ग्रहण एक ऐसा काल बताया जाता है जिसमें काफी ज्यादा दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ता है और ऐसे में अगर कुछ खास बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये सारी चीजों को ही बिगाड़ कर रख सकता है। लेकिन अब बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण में अगर कुछ खास चीजों को करा जाता है तो सूर्य ग्रहण का भी काफी ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। बल्कि काफी लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर काफी सारी मंत्र साधनाओं को, जो ऐसी तंत्रोक्त साधना होती हैं, वह केवल जो खास होती हैं, वह केवल सूर्य ग्रहण पर ही करी जाती हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण पर करने से उन मंत्रों की सिद्धि बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें कि क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है जो कि कार्तिक अमावस्या यानी कि 25 अक्टूबर को दिवाली के दिन ही पड़ रहा है। दिवाली भी कार्तिक अमावस्या पर ही मनाई जाती है और ऐसा लगभग 27 साल बाद हो रहा है। ऐसा ही सूर्य ग्रहण साल 1995 में भी बना था और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वह आंशिक होने वाला है, जिसका बहुत ही कम प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। अगर प्रतिशत में बात करें तो 100 में से केवल 36 या 40 प्रतिशत ही इसका प्रभाव बस केवल पड़ने वाला है। इसीलिए कुछ खास चीजों का ध्यान अवश्य ही आपको रखना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले 24 अक्टूबर को मध्य रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक अमावस्या की जो तिथि है यानी कि दिवाली की जो तिथि है वह 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से लेकर अगले दिन 25 अक्टूबर शाम 4:18 तक रहेगी और सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले 24 अक्टूबर को ही मध्य रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा। यह इस साल का दूसरा और आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल आप नोट कर लें, 24 अक्टूबर दिवाली की रात 2:30 पर सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, जो अगले दिन 25 अक्टूबर को शाम 4:22 तक सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सूर्य ग्रहण में कौन कौन से काम आपको नहीं करने हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से मंत्रों को सूर्य ग्रहण के समय में सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या अपने आप में विशेष खास तंत्रोक्त होती है और ऐसे में सूर्य ग्रहण पड़ जाना एक सोने पे सुहागा हो जाता है और इसका अवश्य ही आपको लाभ उठाना है। कैसे उठाना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस दिन पर कौन कौन सी चीजों को नहीं करना है ये आप जान लें। सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण जो होता है इसके सूतक काल लगते ही शुभ और मांगलिक कार्य को करने की बिल्कुल रोक हो जाती है। बिल्कुल भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश करना या नई गाड़ी लेना। ऐसे मांगलिक कार्य बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण के दौरान आप ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करना भी वर्जित होता है, तो इसीलिए पहले ही आप अपने कार्य को निपटा लें। और अगर आपको खाना भी है तो खाने में तुलसी के पत्ते अवश्य ही डाल लें। किचन में जितनी भी चीजें आपके रखी हैं उनमें सूर्य ग्रहण के समय में तुलसी के पत्ते अवश्य ही डालकर रखें। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके खाने पर नहीं पड़ता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो घर से बिल्कुल भी सूतक काल में बाहर ना निकलें, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव बच्चों पर काफी ज्यादा अधिक पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, जैसे कि आध्यात्मिक जो कार्य होते हैं, जो ध्यान की क्रियाएं होती हैं, वो करना काफी ज्यादा सरल और आसान हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों का ध्यान नहीं लग पाता है, जो ध्यान से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, तो सूर्य ग्रहण का अवश्य ही इस्तेमाल करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, खाना खाने की मनाही होती है और अध्यात्म से जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी हुई सारी चीजों को आप कर सकते हैं। इस बात का भी आप ये ध्यान रखें कि ग्रहण जब पूरा हो जाता है, क्योंकि दिवाली पर हो तो ग्रहण जब पूरा हो जाता है तो अपने मकान में, दुकान में, सभी जगह
गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही कर दें। अगर संभव हो तो घर में नमक के पानी से अवश्य ही सफाई कर दें। ग्रहण के बाद खुद भी स्नान कर लें और देवी देवताओं को भी स्नान अवश्य ही करवा दें। खाने की चीजों पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें शुद्ध करें और उसके बाद ही ग्रहण करें कि सूर्य ग्रहण में पति पत्नी शारीरिक संबंध बिल्कुल भी ना बनाएं। इस दौरान धूप दीप हवन आदि चीजों की भी मनाही होती है। गर्भवती स्त्री या कुंडली दोष वाले जो लोग हैं वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के ग्रहों पर पड़ता है, जिसके कारण उसके जो ग्रह दोष चल रहे हैं या फिर जो दोष उस व्यक्ति के जीवन में होता है वह बूस्ट कर जाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और ज्यादा इसमें कोई भी परेशानी की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। ये बात भी आप जान लें, जब चंद्रमा पृथ्वी या सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, उस समय पृथ्वी से देखने पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। ऐसा अक्सर अमावस्या के दिन ही होता है, लेकिन जब चंद्रमा की स्थिति सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली सरल रेखा के समीप होती है तब आंशिक ग्रहण होता है, और यह आंशिक ग्रहण ही है। अब आपको बता दें कि जो चीजें हमने आपको बताई हैं, जो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो तो आपको नहीं करनी है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण दिवाली पर पड़ रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। और ऐसे में आप ये बात भी जान लें कि सूर्य ग्रहण जो होता है ये मंत्र साधनाओं के लिए सिद्धि के लिए बेहद खास और विशेष होता है। तो अगर सूर्य ग्रहण पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है या फिर हवन कर दिया जाता है तो काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। ये बात भी आप जान लें कि सूर्य ग्रहण जो होता है उस पर सभी मंत्रों को नहीं पढ़ा जाता है, कुछ ही एक ऐसे मंत्र होते हैं जिनका जाप किया जा सकता है। मंत्र विज्ञान में कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें महात्म्य मंत्र कहा जाता है, और महामृत्युंजय जो मंत्र है ये भी महात्म्य मंत्र में ही आता है, और काफी सारे और भी मंत्र होते हैं लेकिन वो थोड़े कठिन हैं। महामृत्युंजय जो मंत्र है ये काफी लोगों को याद भी रहता है और जपने में भी आसान रहता है, तो इसका मंत्र का जाप करके भी लाभ उठाया जा सकता है। पहले तो आप इन चीजों को जानें कि महामृत्युंजय जो मंत्र होता है इसके काफी सारे लाभ होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है, उसे कोई ना कोई रोग लगा रहता है, मन में चिंताएं होती रहती हैं या भूत प्रेत आदि की समस्याएं रहती हैं, तंत्र क्रियाओं की समस्या रहती है, या भूत प्रेत या तंत्र बाधा कोई भी प्रकार की काला जादू की समस्या हो, तो सूर्य ग्रहण पर या फिर दिवाली के दिन अगर महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाता है, खास करके 51 माला अगर कर ली जाती है, तो संपूर्ण प्रकार के संताप से मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार अगर 51 माला करने के बाद हवन भी कर दिया जाता है, यानी कि हवन सामग्री में गूगल मिलाकर 108 आहुति घर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र से अगर दे दी जाती है, तो संपूर्ण जितना भी दुर्भाग्य होता है वह उसी दिन जलकर राख हो जाता है। काफी लोग अपने जीवन में दुर्भाग्य से काफी परेशान रहते हैं, तो दिवाली और सूर्य ग्रहण एक साथ आने वाला है तो इस बार इस समय का अवश्य ही आप लाभ उठाएं। जैसा हमने आपको बताया है उसी प्रकार आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि काफी लोग ये भी नहीं जानते हैं कि हवन को किस प्रकार करना है, तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाता है। हवन कुंड की बस आपको आवश्यकता है, या फिर आप कोई भी लोहे का तसला ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिस पर लकड़ियों को रखकर जलाया जा सके। आम की लकड़ियों का आपको इस्तेमाल करना है, उसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद भगवान शिव को नमस्कार करते हुए भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी विघ्न है उन्हें कृपया दूर करें। इस प्रकार करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र से 108 आहुति हवन सामग्री में गूगल मिलाकर देने मात्र से अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। जो लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग को रोक नहीं पाते हैं या फिर उनके मन में बहुत ज्यादा अड़चनें चली रहती हैं, घबराहट चिंताएं और ये जो दुख वाली जो समस्याएं होती हैं, आजकल काफी लोगों के मन में दिमाग में इतनी ज्यादा चलती रहती हैं कि चैन से सो भी नहीं पाते हैं, तो ये जो क्रिया हमने आपको बताई है इसे आप अवश्य ही कर लें, क्योंकि इस एक क्रिया से काफी सारे लाभ की प्राप्ति होती है और दिवाली पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। खास करके सूर्य ग्रहण के दौरान जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों को करता है उसे भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिसके कारण जो भी उसके जीवन में ग्रह दोष होता है या जितनी भी समस्याएं उसके जीवन में चल रही होती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। तो ये बड़ी ही ज्यादा खास सरल
और आसान सी चीज़ हमने आपको बताई है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई है जिससे सारे लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं, इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे, और बेल बटन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन अवश्य ही क्लिक करके रखें जिससे सारे वीडियो समय पर मिला करें और बिल्कुल भी मिस ना हो। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं या फिर आप कोई साधना के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी दिवाली आने में, सूर्य ग्रहण होने में काफी समय है, तो आप अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें जिससे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें आपकी समस्याओं के बारे में भी बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।